शुक्रवार को डीएनए में खबरों के विश्लेषण के दौरान मैंने आप सबसे एक बात कही थी। मैंने कहा था कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, कैसी भी क्यों ना हो, संवाद करना बहुत जरूरी है। संवाद का मतलब ही होता है एक दूसरे को खुले मन से समझने का प्रयास करना। संवाद एक सुंदर घटना है, लेकिन जब संवाद की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं तो यह सुंदर घटना दुर्घटना बन जाती है। डीएनए में आज हम सबसे पहले एक ऐसी ही राजनीतिक दुर्घटना का विश्लेषण करेंगे जिसके केंद्र बिंदु में जम्मू कश्मीर और वहां के अलगाववादी नेता हैं। अगर कोई खिड़कियां और दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाए तो फिर स्वच्छ हवा, स्वच्छ विचार और शांति के सफेद कबूतर कभी भी अंदर नहीं आ सकते। कश्मीर के अलगाववादी भी सारी संभावनाओं के खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ गए हैं। कश्मीर में हुर्रियत के जिन नेताओं को हम अलगाववादी कहते हैं और जो कई बार ये जता चुके हैं कि उनकी रगों में पाकिस्तान का खून बहता है, उन्होंने भारत की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का अपमान करके देश के 132 करोड़ लोगों को भी अपमानित किया है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो संसद भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर मानी जाती है, उसी संसद के सदस्यों से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने न सिर्फ मिलने से इनकार कर दिया बल्कि अपने घर की दीवारों पर इंडिया गो बैक की तरह अपने दरवाजों पर भी डू नॉट एंटर वाला बोर्ड लगा दिया। दरअसल कश्मीर के हालात पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 26 सांसदों का एक दल दिल्ली से कल कश्मीर पहुंचा था। इस दौरान बातचीत के लिए राज्य के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादियों को भी न्योता दिया था, लेकिन वो आए नहीं। इसके बाद अलग अलग दलों के कुछ नेता सैयद अली शाह गिलानी से मिलने उनके घर पहुंच गए, लेकिन गिलानी ने मिलना तो बहुत दूर, घर का दरवाजा तक नहीं खोला और खिड़की से ही इन सांसदों को वापस लौट जाने की बात कह दी। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। एक तरफ भारत सरकार कहती है कि संविधान के दायरे में रहते हुए कश्मीर की शांति के लिए वो किसी से भी बातचीत को तैयार है, लेकिन जो अलगाववादी भारत के संविधान और भारत की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ही अपना नहीं मानते, वो कश्मीर के हमदर्द कैसे हो सकते हैं? असल में कश्मीर को समस्या कहना ही कश्मीर समस्या है और इस समस्या के ईंधन से ही अलगाववादियों की गाड़ी कश्मीर में चलती है। ये भारत के मस्तक यानी कश्मीर से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए आज डीएनए में सबसे पहले हमने कश्मीर की फिजाओं में फैली नफरत वाली सोच का विश्लेषण करने का फैसला किया है। पांच अलगाववादियों से जो मिलने गए उनमें से एक नहीं मिला, बाकी से तो मिले हैं। से मना कर दिया, कहा कि हम दिल्ली में आके मिलेंगे। उन्होंने वहां की स्थिति को ठीक से समझा ही नहीं। बातचीत से हर समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन अगर किसी ने अपने घर के दरवाजे पर डू नॉट एंटर या डू नॉट टॉक वाला बोर्ड लगा रखा हो तो कोई कितनी भी कोशिशें क्यों न कर ले, लाख कोशिशों के बावजूद बात करने की गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ सांसदों के उस दल के साथ जो अमन और शांति का पैगाम लेकर जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। लेकिन जब सीताराम येचुरी, शरद यादव और जेपी नारायण जैसे 6 सांसद अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी से मिलने पहुंचे तो न सिर्फ उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया बल्कि घर का दरवाजा तक नहीं खोला। हद तो तब हो गई जब इन सांसदों को गिलानी ने खिड़की से ही लौट जाने का संदेश दे दिया। पांच अलगाववादियों से जो मिलने गए उनमें से एक नहीं मिला, बाकी से तो मिले हैं। 2 महीने पहले अगर हम आते हैं तो आज जो आए उससे बेहतर हालत होती है, मतलब आने। अब चलो सरकार ने वो बात को नहीं माना, अब ज्यादा डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। हुर्रियत के लीडरों को लगता है कुछ परेशानी होगी अपनी, कहीं से कुछ इंस्ट्रक्शन होगा, या कहा कि हम दिल्ली में आके मिलेंगे तो ठीक है, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। उन्होंने वहां की स्थिति को ठीक से समझा ही नहीं। वहां जाकर उन्हें समझ आया है कि जिस जिहाद से वो बात करने जा रहे थे वो किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अब कुछ संकेतिक और खानापूरी के लिए वो 1-2 घंटे जम्मू में भी रुकेंगे। मुट्ठी भर अलगाववादी जिनके घर की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है गो इंडिया गो बैक, उन्होंने देश के लोगों द्वारा चुने गए सांसदों को साफ और सीधे लफ्जों में ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो सिर्फ पाकिस्तान से बात करेंगे, इन अलगाववादियों की सोच में भारत के लिए कोई जगह नहीं।
लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं, वहां से लौटने के बाद डेलीगेशन के उन मित्रों ने जो जानकारी दी, कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि सचमुच यह कश्मीरियत तो नहीं है और इसे इंसानियत भी नहीं माना जा सकता, इंसानियत भी नहीं है। और कोई बातचीत करने के लिए गया है, उन्होंने बातचीत नहीं की, तो कम से कम जमहूरियत में भी यकीन नहीं है। पाकिस्तान को पसंद करने वाले अलगाववादियों ने बातचीत के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन सरकार कह रही है कि उसके दरवाजे ही नहीं रोशनदान भी खुले। बराबर बातचीत की बात कही जाती है, मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं फिर से कि बातचीत के लिए केवल हमारा दरवाजा ही नहीं खुला है, हमारे रोशनदान भी खुले। वैसे चुभने वाली बात तो यह भी है कि जिन अलगाववादियों के लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है, उनसे हमदर्दी बरतने की कोशिशें की जा रही हैं। मुलाकात ठीक रही? सर क्या क्या उनका कह रहा है कि आपसे आकर के बात करेंगे दिल्ली में? अभी तो गिलानी साहब रिफ्यूज कर रहे हैं मीट करने को, अभी वो गेट नहीं खोल रहे। आपको क्या लगता है कि ये सही है? ऐसा है कि हमारा काम है, हम इस देश के लिए है, देश के खातिर जब कई तरह के काम ऐसा करना पड़ते हैं जिससे मान अपमान का कोई मामला नहीं। जब बातचीत होनी होती है तो बातचीत की कोई तैयारी होती है। सांसदों को अपने आप ये पहल करके उन लोगों के घर जाना पड़ा, वहां पे मुलाकात नहीं हो पाई, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो सरकार की मंशा क्या है? मंशा ये है कि जम्मू कश्मीर में जो तनाव है वो बरकरार रहे, कि जो परिस्थिति है वो संवेदनशील रहे। कश्मीर में अमन और शांति बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर अलग अलग दलों के नेता, हर कोई कश्मीर के तनाव को कम करना चाहता है। लेकिन अलगाववादी अपने घर के दरवाजे बंद करके बैठे और शांति का कोई प्रस्ताव अपने मकाम तक नहीं पहुँच पा रहा है। CPM, CPY, CPM के नेता लोग गए थे, उन्होंने ये निर्णय लेके उनसे मिलने गए थे, पता नहीं उनको क्या मैसेज मिला, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं। मुझे लगता है इस देश के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज कश्मीर को अपना इंटीग्रल पार्ट मानते, और बहुत से ऐसे कश्मीरी हैं जो कश्मीर को हिंदुस्तान का एक हिस्सा मानते हैं। मुझे लगता है चंद सेपरेटिस्ट की वजह से इस देश के एक अहम पार्ट को हम देश से अलग नहीं कर सकते। भाई बहुत ही हेक्टिक रहा, कई लोगों से मिले, कोशिश भी की है कई लोगों से मिलने के लिए, और हमारी तरफ से ये संदेशा तो स्पष्ट गया थोड़े लोग जब हम हुर्रियत के नेताओं से भी मिलने गया कि इंडियन पार्लियामेंट की तरफ से हम जो है चाहते हैं कि सब स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करके शांति बहाल। I've done it, sir. One bite. No, sir. One minute. नहीं भाई, बस एक मिनट बस। शायद अलगाववादी कश्मीर को शांत होने ही नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अगर कश्मीर शांत हो जाएगा तो फिर उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी? असल में कश्मीर को समस्या कहना ही कश्मीर समस्या है। अलगाववादियों ने बातचीत के दरवाजे बंद करके देश के चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान किया है। संसदीय दल के नेताओं से अलगाववादी नेताओं के न मिलने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि वो कश्मीर में अपने खिसकते जनाधार को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सेपरेटिस्ट ने बात नहीं कही है, इससे दो तीन बातें जाहिर होती है। नंबर एक कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जो सेपरेटिस्ट लीडर के थ्रू हो रहा है, वो उसका कंट्रोल पूरे तरीके से POK में जो हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर हैं असानुल्लाह, उनके इशारों पर हो रहा है। उन्होंने पहले ऐलान किया था कि कोई बात नहीं करेगा। तो दूसरी ये बात जाहिर होती है कि सेपरेटिस्ट लीडर्स को कश्मीर के लोगों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उन्होंने इनसे मिलने से मना किया। ये लोग यहाँ से गए बातचीत करने के थे, इनका इरादा था कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, इनके हिसाब से सेपरेटिस्ट लीडर भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बात की जाए, लेकिन उन्होंने बात करने से मना किया, या तो थ्रेट के नीचे हैं। तीसरा इसे जाहिर होता है कि सेपरेटिस्ट लीडर का कोई कंट्रोल नहीं है J&K हालात पर। अगर वो बात कर भी लेते, कुछ बोल भी देते, तो उनके आज के दिन कोई नहीं सुनने वाला। धीरे धीरे
उनकी उनका जो एक्सपोजर है वो हो रहे हैं। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर अब अलगाववादियों की पकड़ खत्म हो चुकी है। अलगाववादियों के सभी बड़े नेता नजरबंद हैं। ऐसे में विरोध प्रदर्शन और हिंसा को कट्टरवादी और पाकिस्तान पोषित आतंकवादी संगठन ही भड़का रहे हैं। ऐसे में अलगाववादी चाहे कितना भी ड्रामा क्यों न कर लें, वो जम्मू कश्मीर की अमन पसंद आवाम को कभी बहला फुसला नहीं सकते, क्योंकि उनकी नफरत वाली सोच की जड़ें इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि अब उन्हें भी अपना अंत दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपने घर में आतंकवादियों की शक्ल में जहरीले सांप पाल रखे हैं। लेकिन अब मैं आपको जो जानकारियां दूंगा वो ये बताती हैं कि हमने भी सैयद अली शाह गिलानी और यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों की सेवा करने में, खातिरदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की भक्ति में डूबे मुट्ठी भर अलगाववादियों ने कश्मीर की वादियों को हाईजैक कर रखा है और दूसरी तरफ भारत ने उनकी सुरक्षा और सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए हैं। रिसर्च के दौरान आज हमें कुछ ऐसी बातों का पता चला है जिनके बारे में पूरे देश को जानकारी होनी चाहिए। आज जब हम रिसर्च कर रहे थे इस पूरे मामले पर तो हमें कुछ नई बातें पता चली, हम आपको बताते हैं। पिछले वर्ष गृह मंत्रालय के अधिकारियों को कोट करते हुए एक अखबार ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने 5 वर्षों में अलगाववादियों पर एक या दो नहीं बल्कि पूरे 506 करोड़ रुपए खर्च किए। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक यानी 5 सालों में कश्मीर में अलगाववादियों के घर की सुरक्षा के लिए 18,000 पुलिसकर्मियों को बतौर गार्ड तैनात किया गया है। इन 5 वर्षों के दौरान अलगाववादियों के होटल बिल्स को भरने के लिए राज्य सरकार को 21 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। अलगाववादियों की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले तेल का खर्च भी आम जनता की जेब से ही भरा गया है। वर्ष 2010 से लेकर 2015 तक सिर्फ तेल पर ही 26 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया गया। इस दौरान अलगाववादियों की सुरक्षा में लगे गार्ड्स की सैलरी पर राज्य सरकार ने 309 करोड़ रुपए खर्च किए। वर्ष 2010 के बाद से लेकर 2015 तक अलगाववादियों के पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलगाववादी नेताओं पर पिछले 5 वर्षों में जो रकम खर्च की गई है वो राज्य के बजट में दूसरे सेक्टर्स के लिए आवंटित किए गए पैसों से कहीं ज्यादा थी। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2014 और 15 के बजट में जम्मू कश्मीर की लोकल बॉडीज के लिए 383 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, टूरिज्म सेक्टर के लिए करीब 106 करोड़, हेल्थ सेक्टर के लिए 310 करोड़, सोशल वेलफेयर सेक्टर के लिए 332 करोड़ और पावर सेक्टर के लिए 396 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अलगाववादियों का दोहरा चरित्र यह है कि वो भारत की जमीन पर रहते हैं, भारत से सारी सुविधाएं लेते हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत पर ही है, लेकिन इनके दिल में भारत के लिए कोई जगह नहीं। गौर से देखा जाए तो कश्मीर में अलगाववादियों की राजनीतिक दुकानदारी तभी तक चल रही है जब तक कश्मीर में अशांति है। जिस दिन कश्मीर में अमन और चैन की हवाएं बहने लगेंगी अलगाववादियों के शटर डाउन हो जाएंगे। अलगाववादियों का रुख देखकर लगता है कि वो कश्मीर की शांति और बेहतरी चाहते ही नहीं है।